आज का हमारा टॉपिक है ईमेल। ठीक है, बेसिकली ईमेल क्या होता है? ईमेल हम इलेक्ट्रॉनिकली जो आप क्या करते हो, मैसेज भेजते हो। ठीक हो गया, एक बंदा दूसरे बंदे तक अपना मैसेज कन्वे करता है इलेक्ट्रॉनिकली, इसलिए हम उसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल कहते हैं। अब नॉर्मली हमने जो है जीमेल और याहू मेल को इतना ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ है कि हमने जो है बस वही जीमेल और ईमेल को ही याहू मेल को हमने जो है नाम दे दिया कि जी ये हमारे पास जो है मेल है। बट बेसिकली ईमेल जो है वो याहू से और इससे अलग है, क्योंकि वो तो आपके पास जो है अलग सर्वर्स हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपको जो है ईमेल वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ईमेल अपना जो बेसिकली थीम है या जो इसका आइडिया है वो यही है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है अपना मैसेज किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो। और इसीलिए उन्होंने कहा हुआ है कि जी कि आपके पास क्या है कि कुछ फीचर्स हैं ईमेल के। ठीक है, अब ईमेल की कोई ऐसे डेफिनेशन तो नहीं सकती कि आप इलेक्ट्रॉनिकली जो अपना मेल दूसरे बंदे को ट्रांसफर करो, इसलिए इन्होंने जो है फीचर की बात की है कि आप क्या करते हो कि हाउ इट वर्क्स, ईमेल आल्सो रेफर्ड टू एज ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस कॉल्ड ईमेल और ईमेल मैसेजेस ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क सच एज द इंटरनेट और एन इंट्रानेट। ठीक है, कि आप क्या करते हो कि इलेक्ट्रॉनिकली अपना मैसेज ट्रांसमिट करते हो, एक बंदा दूसरे बंदे को मैसेज भेजता है। ठीक है, और उसको जो है वो ईमेल मैसेज भेजता है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉनिकली या जो है वो नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया या इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना जो है एक कनेक्टिविटी सिस्टम उन्हें डेवलप किया होता है, एक नेटवर्क डेवलप किया होता है जिसके जरिए से वो क्या करते हैं कि इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे को मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहते हैं। ठीक है, ओवर एन ईमेल कि याहू के जरिए से एक दूसरे को मेल कर दिया या जीमेल के जरिए से एक दूसरे को मैसेज कर दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जी आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो इस चीज की भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एक स्पेसिफिक आपने नेटवर्क बनाया हुआ है, उसके जरिए से भी आप जो है मेल भेज सकते हो, या फिर आप क्या करते हो कि इंटरनेट के जरिए से आप जो है पूरी दुनिया में कहीं भी ईमेल सेंड कर सकते हो। सो कहते हैं कि एन इंट्रानेट इज सिमिलर टू द इंटरनेट एक्सेप्ट दैट इट इज इंटरनल टू अ कंपनी। जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरनेट जो है आपके पास वो क्या होता है, वो आपके पास जो एक्सटर्नल भी कनेक्ट करता है इंटरनल भी कनेक्ट करता है। आप घर में होते हो, आप अपने भाई को ईमेल कर देते हो, आप घर के अंदर दोनों साथ बैठे हुए, लेकिन ईमेल कर दिया आपने विद इन दी जुरिस्डिक्शन, आपने जो है क्या कर दिया एक दूसरे को मैसेज ईमेल भेज दिया। लेकिन अगर आप जो है एक फ्रेंड को भेजते हो वो यूके में बैठा हुआ है, तो आप उसको ईमेल कर देते हो, वो भी किसके जरिए से जाता है, वो इंटरनेट के जरिए से जाता है। लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना एक सिस्टम डिवेलप करते हो और वहां पे मेल आपकी जो है मूव करती है, तो उसको हम सिंपली कहते हैं कि आपके पास जो है इंट्रानेट है ये। सो ईमेल के जो है आपके पास कहते हैं कि ईमेल सिस्टम्स आर देयरफॉर एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक वर्जंस ऑफ ट्रेडिशनल पोस्टल सिस्टम दैट दे ऑपरेट एज फॉलोस। कि ये काम किस तरीके से करता है। ठीक है, जैसे आपके पास जो है डाक खाने का काम होता था कि आप जो है खत लिखते थे, फिर पोस्ट ऑफिस जाते थे, पोस्ट ऑफिस वाले वहां से फिर आपका जो है लेटर डिलीवर कर देते थे। सेम एज इट इज आपके पास जो है लेटर का भी है। कहता है कि यहाँ पे हम जो है पेन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम कंप्यूटर या टैबलेट या जो भी स्मार्टफोन है आपके पास वहां पे आप मैसेज ईमेल टाइप करते हो। ठीक हो गया, याहू मेल के जरिए से हो गया या जीमेल के जरिए से हो गया, आप वहां पे ईमेल टाइप कर लेते हो और आप उसमें क्या करते हो कि अपना एक जिस बंदे को आप भेज रहे हो, ठीक है, उसका अपना यूनिक ईमेल होगा। हो गया कि abc@yahoo.com या something@gmail.com, तो वो आप उसका एड्रेस दे दोगे। जब आप उसका एड्रेस दे दोगे, आप वहां पे क्या कर लोगे, सेंड का बटन दबाओगे। सेंड का बटन दबाओगे, ईमेल आपका क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, आपके पास जो है इंटरनेट के थ्रू चला जाएगा। कहाँ पे जाएगा, आपके जो है जो सर्वर होगा वहां पे आपका मेल ईमेल का पहुंच जाएगा। और सर्वर के पास ईमेल पहुंचने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट आपके जो है जो रिसीवर होगा उसके पास ईमेल पहुंच जाएगा। ठीक है, जब ईमेल उसके पास पहुंच जाएगा तो वो देख लेगा जी, उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि यू हैव रिसीव न्यू ईमेल। जब उसके पास जो है ईमेल आ जाएगी, वो उसको देख लेगा, ओपन कर लेगा और रीड कर लेगा। सो वो किसी भी डिवाइस पे जो है उसको ओपन कर सकता है। जैसे खाने वाले क्या करते हैं कि खत, आपको मैंने आपको कहा कि वो पोस्ट ऑफिस में जाता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से फिर वो बंदा जाता है उस बंदे के जो है लेटर बॉक्स में लेटर पुट कर देता है। फिर जब वो बंदा आता है, लेटर बॉक्स ओपन करेगा, तो वो उससे जो है खत निकालेगा। इसी तरीके से ईमेल में जब तक जो है वो ईमेल ओपन नहीं करेगा, तब तक वो इनबॉक्स में पड़ा रहेगा। जब वो उसको ओपन कर लेगा और रीड कर लेगा, उसको ईमेल जो है सर्कल आपका जो है कम्युनिकेशन का कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए कहता है कि अल्टरनेटिवली द रिसिपिएंट इज एबल टू एक्सेस देयर ईमेल डायरेक्टली ऑन द ईमेल सर्वर बाय यूजिंग अ वेब ब्राउजर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम और सफारी। इन दिस केस द लोकल डिवाइस डज नॉट टेक अ कॉपी ऑफ द ईमेल, द यूजर व्यूज द लाइव कॉपी ऑन द ईमेल सर्वर। ठीक है, कि आपके पास जो है पहले क्या होता था कि आउटलुक एक्सप्रेस आपके पास जो है पड़ा होता था। ठीक हो गया,
होपफुली आप लोगों ने जो है अभी इस चीज को नहीं देखा होगा, आउटलुक को प्रीवियसली जब विंडोज 98 और उसमें जो है आपके पास आउटलुक होता था, जो क्या करता था कि कंपनीज वगैरह उसको इस्तेमाल करती थी, वहां से वो अपने ईमेल वगैरह भेजती थी। ठीक है, सो अब आपके पास जो है क्या हो गया, जैसे मैंने आपको कहा कि ईमेल जो है याहू और जीमेल ने इतना आसान कर दिया कि आप जहाँ जाते हो वहाँ पे जस्ट क्लिक करते हो, तो जीमेल में आपके पास इस तरीके से वो शो होता है जैसे कि आप क्या करते हो मैसेंजर के जरिए से ऐसे जो है मैसेज भेज रहे होते हो। तो आपके लिए जो है कन्वीनियंस बढ़ा दी गई, उसको मजीद जो है आसान कर दिया आपके लिए कि आप जो है जस्ट क्लिक करो और वहाँ पे जो है जैसे मैसेंजर यूज कर रहे हो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप अटैचमेंट ऐड करके फॉरवर्ड कर लेते हो। सो कहते हैं कि जब आप जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर और उसके जरिए से ऑनलाइन होते हो, तो वहां पे जो है डायरेक्टली आप अपने ईमेल को ओपन कर सकते हो, कोई भी कॉपी जो है आपके पास वहां पे उसकी सेव नहीं होगी ईमेल की, जस्ट आपको जो है जैसी ईमेल रिसीव होगी वो चीज आपको शो हो जाएगी। सिंक्रोनाइजिंग ईमेल क्या है, बेसिकली आपने जो है मोबाइल में भी अपना एक सिंक्रोनाइजिंग का ऑप्शन देखा होगा, ठीक हो गया, कि वो क्या करता है कि आपके सारे के सारे डिवाइसेस को अप टू डेट रखता है। किस तरीके से अप टू डेट रखता है कि लेट से आपका जीमेल अकाउंट है, आपने लैपटॉप पे भी ओपन किया हुआ है, ठीक है, और आपने जो है मोबाइल में भी ओपन किया है, या आपने टैबलेट में किया हुआ है और मोबाइल में किया है, आपका अगर सिंक्रोनाइजिंग ऑप्शन ऑन है तो क्या होगा कि अगर आप क्या करते हो कि आपने जो है मोबाइल में नई चीजें डालते हो, आप उसमें जो है नए कॉन्टेक्ट वगैरह सेव करते हो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी आपके टैबलेट में भी वहां पे अपडेट हो जाएंगे। जैसे ही आप इंटरनेट के साथ उसको कनेक्ट करोगे वहां पे वो सिंक्रोनाइजिंग शुरू हो जाएगी और आपके न्यू कॉन्टेक्ट जो है कहाँ चले जाएंगे, वो टैबलेट में भी आ जाएंगे। सो इसको हम सिंक्रोनाइजिंग करते हैं कि जो क्या कहते हैं कि आपके पास एट अ टाइम आपके जो है सारे के सारे डिवाइसेस को एक लेवल पे वो लेकर जाता है, उसको जो है अप टू डेट रखता है। तो इसी तरीके से इन्होंने ईमेल का भी कहा हुआ है, कहता है कि जब हम जो है ईमेल की बात करते हैं तो आपके पास क्या है कि अगर आपने जो है बहुत सी डिवाइसेस पे एक साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आपने मोबाइल पे भी ओपन किया है लैपटॉप में भी ओपन किया। तो अब आपके पास जो है अगर याहू जीमेल आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि यू हैव रिसीव न्यू ईमेल, आपके पास जो है लैपटॉप में भी ओपन है उसी टाइम पे, तो मोबाइल लैपटॉप पे भी आपके मैसेज शो हो जाएगा कि जी आपके पास जो है नया ईमेल आया हुआ है। अगर नहीं आता तो हम क्या कर लेते हैं F5 के जरिए से उसको रिफ्रेश करते हैं और हम मेल को रिसीव कर लेते हैं। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग ईमेल, के आपके पास जो है ईमेल वो सारे के सारे जो है डाउनलोड हो जाते हैं डिफरेंट डिवाइसेस पे, जहां जहां पे आप लॉग इन होते हो वहां पे आपको जो है आपका ईमेल रिसीव हो जाता है। सो कहता है कि आपके पास क्या है कि ईमेल को सेंड कैसे करोगे, ठीक है, तो आसान सी बात है, आप कहाँ जाओगे, न्यू ईमेल की तरफ जाओगे, अपने बंदे का एड्रेस दोगे, सब्जेक्ट में लिखोगे, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताए थे जब हम लेटर्स वगैरह पढ़ रहे थे मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब्जेक्ट दोगे ईमेल में आपके जो है सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वहां से पता चल जाता है कि जी ये कोई जो है इररेलेवेंट ईमेल है या जो है रेलेवेंट है, तो वो उसके सब्जेक्ट लाइन से देख लेता है, तो वहां से उसको पता चल जाता है कि जी मैंने उसको रीड करना है कि नहीं करना। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी जो है बॉडी आ जाएगी, फिर स्पेल चेक कर लोगे, ठीक है, और सेंड कर लोगे कि जी बस अब जो है मैंने मैसेज लिख लिया है, अब उसको जो है सेंड का बटन दबाओगे आपका ईमेल चला जाएगा। इस तरीके से आपके पास इसका आउटलुक होता है, ठीक है, कि आप जो है क्या करते हो कि यहाँ से जो है अपना आपका फॉर्म आ जाता है जीमेल वगैरह में, आपका फॉर्म जो है पोर्शन नहीं होता, मैंने आपको कहा कि आउटलुक वगैरह में पहले ये चीज होती थी कि वहां पे आपके पास क्या होता था कि फॉर्म होता था कि कौन भेज रहा है, ठीक है, फिर आप किसको भेज रहे हो वो लिखते थे, फिर ये CC और BCC हमारे पास जो होते हैं ये क्या है बेसिकली कार्बन कॉपी है, एक जो है BCC आपके पास बैक कार्बन कॉपी है। CC आपके इसलिए होता है कि अगर आप जाते हो कि एक मेल जो है लेट से अहमद को मिले और दूसरी अली को भेज दो, तो आप चाहते हो कि जी मैं इसको भेज दूँ, तो आप उसको क्या कर लोगे, एक जो है जो टू होगा वो ओरिजिनल कॉपी होगी और आपके पास जो CC होगा वो कॉपी होगी, ठीक है, कि आपने इस फाइल की कॉपी जो है इसको भिजवा दी। अक्सर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप जो है अपने बॉस को अगर कोई जो है चाहते हो कि नोटिस में रखूं कि मैंने जो है कोई कंसाइनमेंट मंगवाई हुई है या कोई मैं डील कर रहा हूं, तो उसकी ईमेल जो है मेरे बॉस के पास भी चली जाए कि उसके पास भी रिकॉर्ड हो कि मैंने ये ट्रांजेक्शन किया है या मैं उसका ये डील कर रहा हूँ, तो बॉस के नोटिस में भी होना चाहिए, कल को ये ब्लेम ना करे कि जी मैंने उसको जो है बताया नहीं था या मैंने उसको मेल में क्या लिखा था जो बंदे की डील कैंसिल हो गई या कुछ हुआ। तो उसके लिए आप क्या कर लेते हो कि आप जो है अपना जो है उस बंदे की ईमेल लिख लेते हो, CC में आप उसके साथ जो है अपने बॉस का जो है ईमेल लिख लेते हो, तो एक कॉपी जो है आपके बॉस के पास चली जाती है और एक आपकी जो है जिसको भेज रहे हो उसके पास चली जाती है। थर्ड जो मैंने आपको कहा कि BCC होती है वो ब्लैक कार्बन कॉपी है, आप चाहते हो कि किसी को भी पता ना चले कि ये कॉपी मैंने जो है किसी और को भी भेजी है, तो आप उसको जो है हिडन रखने के लिए BCC करते हो।
कि आप चाहते हो कि जी मैंने जो है कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब आप नहीं चाहते कि वहां पे जो है आपके मैनेजर या जो है सीईओ की ईमेल वहां पे शो हो कि जी उसको भी कॉपी गई है, तो आप क्या कर लेंगे, सिंपली बीसीसी में उसको भेज दोगे कि उसको पता ना चले कि ये जो है ईमेल दूसरे बंदे के पास भी गया हुआ है ऑन द सेम टाइम। ठीक है, अब इस तरह तो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जो है फिर अलग अलग क्यों नहीं भेजते। अगर सेम टाइम पे आप रिकॉर्ड के लिए जो है ईमेल रखते हो तो वहां पे फिर आपको ये चीज करनी पड़ती है कि मैंने ये ईमेल एक ही टाइम पे भेजी थी और ये ओरिजिनल फॉर्म में है, देखें मैंने यही कॉपी जो है उसको भी भेजी थी और अपने बॉस को भी ब्लैक में जो है भिजवा दी थी। उसके बाद सब्जेक्ट में लिखोगे, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑर्डर कंफर्मेशन, तो अब उसको पता चल जाएगा कि जी कोई ऑर्डर वगैरह था वो कंफर्म कर रहा है। सो आपके पास जो है राइटिंग फॉर्मेट इसी तरीके से लेटर की तरह भी आप यूज कर सकते हो, प्यारा लगेगा कि डियर आमिर डिलाइट टू स्पीक अर्लियर, थैंक्स फॉर योर टाइम, एज डिस्कस्ड एंड एग्रीड वी कंफर्म द यूनिट 2000 एट 10 पर यूनिट इंक्लूसिव, काइंड रिगार्ड्स जमाल। अपना नाम अपना जो है वहां पे एड्रेस जो है सिग्नेचर पुट कर लोगे, इसमें तो साइन होता नहीं है, तो आप जो है क्या कर सकते हो कि याहू में जीमेल में आपके पास अपना ऑप्शन होता है सिग्नेचर क्रिएटर का, तो हर बार ईमेल में ऑलरेडी वो चीज पुट होगी। अगर वो चीज आपने एक्टिवेट नहीं की तो हर बार फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नाम वगैरह वहां पे लिखना पड़ेगा कि ये बंदा है और ये डेजिग्नेशन है इसकी, और जब वो हो जाएगा तो आप क्या कर लोगे, सेंड का बटन दबा लोगे, जैसे ही प्रेस कर लोगे आपका ईमेल फॉरवर्ड हो जाएगा, उस बंदे तक पहुंच जाएगा। एक और ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है, यहाँ पे तो इस जगह पे मौजूद है, वैसे आपके पास जो है क्या होता है कि यहाँ पे अक्सर याहू और उसमें पहुंच लिखा होता है कि आपके पास जो है ये पिन टाइप बनी होती है, जहां पे भी ये पिन टाइप बनी होगी इसका मतलब क्या है, अटैचमेंट है, कि आप जो है ईमेल के साथ कोई फाइल वगैरह अटैच करना चाहते हो, कोई लेटर वगैरह या कुछ उसमें जो है भिजवाना चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक करोगे, वहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि जी अटैच फाइल फ्रॉम कंप्यूटर, या फिर आजकल जो है आपके पास जो है वो क्लाउड मेमोरीज भी इस्तेमाल हो रही है, तो वो क्या करते हैं कि वो आपसे पूछ लेते हैं कि जी क्लाउड से आपने लेना है या आपने कंप्यूटर से लेना है, तो जहां से आपको फाइल चाहिए होगी आप वहां से ओपन कर लोगे और वो उसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो है एक और चीज जो हमारे पास आ जाती है कि फिर आप क्या करते हो कि ईमेल को किस तरीके से रिसीव करोगे, रिप्लाई करोगे और फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, तो सिंपली ये बात है आपके पास कि आपके जब ईमेल मिल जाती है तो वहां पे आपके पास क्या होगा, एक तो आप क्रॉस का ऑप्शन बना होगा, क्रॉस का हो जाएगा क्लोज कि आपने ईमेल पढ़ ली, क्लोज कर दी, बात खत्म। अगर आप चाहते हो कि उस बंदे को रिप्लाई करूं तो आपके पास जो है वहां पे रिप्लाई का ऑप्शन बना हुआ होगा, लिखा होगा रिप्लाई। ठीक है, तो आप जो उस बंदे को रिप्लाई कर दोगे, जब आप उस पर क्लिक कर लोगे रिप्लाई पे तो वहां पे आपके जो सब्जेक्ट लाइन होगी वो वैसी ही रहेगी और वहां पे आपके पास जो है इस तरीके से आर ई डबल डॉट्स आ जाएंगे, ठीक है, या कॉलन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कि वो क्या शो करेगा बेसिकली कि आप क्या कर रहे हो कि ये जो है लेट से आपने लिखा था ऑर्डर कंफर्मेशन जैसे प्रीवियस लेटर था, ठीक है, ईमेल थी हमारी, तो अब आप उसका रिप्लाई दे रहे हो, जब आप रिप्लाई दोगे तो वहां पे आ जाएगा आर ई ऑर्डर कंफर्मेशन कि ये उसका रिप्लाई है, जैसे हम जो है लेटर्स में करते थे रेफरेंस देते थे, ये इज अ काइंड ऑफ अ रेफरेंस होता है कि आपके पास उस ईमेल के रेफरेंस में भेजा जा रहा है। और अगर आपने क्या किया हुआ है कि वो ईमेल आपकी जो है 15-20 लोगों को भेजी गई थी और आप चाहते हो कि 15-20 लोगों को आप अपनी तरफ से रिस्पॉन्स दो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप रिप्लाई ऑल कर लोगे, वहां पे ऑप्शन होगा आपके पास रिप्लाई ऑल पे क्लिक कर लोगे, क्लिक कर लोगे वहां पे आपके पास जो है अगेन वही आर ई आ जाएगा कि ये जो है रिप्लाई कर रहे हो आप उसका। एक और ऑप्शन आपके पास फॉरवर्ड का होता है, आप चाहते हो कि यही ईमेल मैं किसी और को भिजवा दूं, तो आप क्या कर लोगे, फॉरवर्ड पे क्लिक कर लोगे, जब आप फॉरवर्ड पे क्लिक कर लोगे तो वहां पे आपके पास जो है क्या आ जाएगा, एक तो ये चीज आ जाएगी FWD कि ये फॉरवर्ड मेल है, ठीक है, वही ऑर्डर कंफर्मेशन लिखा होगा और उसके साथ क्या लिखा होगा FWD, लेकिन इसमें आपका जो है ईमेल ये जो रिसिपिएंट का एड्रेस होगा वो ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप फॉरवर्ड कर रहे हो, तो अब इसको नहीं पता ईमेल को कि आप किसको भिजवा रहे हो, लेकिन जब आप रिप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपके पास जो है क्या होगा, रिसिपिएंट एड्रेस फुल होगा। क्यों फुल होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप क्या कर रहे हो, जो ईमेल आई थी उसके रिप्लाई दे रहे हो, तो जब रिप्लाई दोगे तो तब तो आपके पास जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप क्या करते हो कि व्हाट्सएप पे देखते हो, व्हाट्सएप पे आप जो है एक फाइल को सेलेक्ट करते हो और आप उसको क्या करते हो वहां पे लिख लेते हो कि रिप्लाई, तो जब आप रिप्लाई करते हो तो वहीं पे रिप्लाई आ जाता है, लेकिन जब आप क्या करते हो कि फॉरवर्ड करते हो तो फॉरवर्ड के लिए डायरेक्टली वो जो है बॉक्स ओपन हो जाता है और आपको कहता है कि जी किस बंदे को आप इस मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहते हो। सेम ईमेल में भी होगा कि आप जब फॉरवर्ड करोगे तो वहां पे आपको रिसिपिएंट चूज करना पड़ेगा। लास्ट एक ऑप्शन उसमें हो जाता है कि अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो आप ईमेल की तरफ जाओगे, वहां पे जो है बॉक्स बना होगा, टी होगा, डस्टबिन बना होगा, आप उस पर क्लिक करोगे और वो सिंपली डिलीट हो जाएगा। सो एक चीज ये कहता है कि जी नोट दैट सम सिस्टम्स आल्सो इंक्लूड स्पैम फिल्टर्स which quarantine what appear to be unwanted spam emails.
यू शुड चेक द क्वारंटाइन पीरियडिकली एज स्पैम फिल्टर्स कैन मेक मिस्टेक्स एंड सेग्रीगेट लेजिटिमेट ईमेल्स। ठीक है कि अक्सर इस चीज का भी ख्याल रखा करें कि आपने जो है एडमिशन वगैरह और इस चीज के लिए अप्लाई किए होते हैं तो वहां पे कुछ ईमेल्स आप जिसका इंतजार कर रहे होते शिद्दत से और वो आपको नहीं मिल रही होती तो हो सकता है कि वो आपकी जो है स्पैम में चली गई हो, तो स्पैम को भी चेक किया करें। इस तरीके से सिचुएशन में अक्सर इस तरीके से हो जाता है कि लोग इसका वेट कर रहे होते हैं ईमेल का कि यार मुझे ईमेल क्यों नहीं मिली, मुझे ईमेल क्यों नहीं मिली, वो जो है स्पैम में पड़ा होता है और उनसे वो ईमेल जो है जाया हो जाती है कि वो जो है वो टाइम ड्यूरेशन उससे गुजर जाता है। तो एहतियात के लिए आपको क्या करना चाहिए, स्पैम के फोल्डर को भी चेक करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ईमेल आई हुई हो और आपसे जो है मिस हो गई हो जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने जो है उसको स्पैम में नहीं देखा और कम जो है मेल ने उसको क्या कर दिया कि स्पैम में फॉरवर्ड कर दिया था। तो इस चीज का भी बड़ा ख्याल रखा करें। अटैचमेंट मैंने आपको समझा दिया कि वो क्या, वो पिक्चर के जरिए से अटैचमेंट का ऑप्शन बेसिकली क्या होता है कि आप जो कोई फाइल वीडियोस या कुछ जो है वो अटैच करना चाहते हो तो उस मकसद के लिए आप क्या कर लेते हो कि वहां पे जाते हो और अटैच कर लेते हो फाइल को कि आप जो है उसको शो कर देते हो कि जी ये फाइल जो है इसके साथ अटैच करनी है। तो मैंने आपको वहां पे बता दिया कि जैसे आप क्लिक करोगे उस पिन पे तो आपके पास आ जाएगा कि जी कौन सी फाइल है, कौन सी जो है एक्सेल शीट है या वो जो है फॉरवर्ड करना चाहते हो। ईमेल में एक चीज याद रखें कि 25 MB तक जो है मेल जाती है, इससे अगर आपके पास जो है हैवी फाइल है तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल ड्राइव वगैरह को इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वो जो है फिर सपोर्टेबल नहीं होती, बहुत हैवी हो जाता है डेटा, लोड आपके पास जो है उस पर ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए 25 MB तक वो आपको स्पेस देते हैं कि आप जो है ईमेल सेंड कर दो, याहू में तो इतना स्पेस है। इसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास होता है फोल्डर्स का। ठीक है कि आप वहां पे क्या करते हो, सिंपली अपने जो है सेपरेट अगर कोई ईमेल है, लेट्स से आपके पास एडमिशन ईमेल्स थी आपकी या ईटेक के लिए आप अप्लाई कर रहे थे और उसके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स और उसके ईमेल है तो आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपके पास वो सारी की सारी चीजें पड़ी हुई हो और आप इजिली उसको एक्सेस कर सको तो आप क्या कर देते हो कि उसके लिए जो है फोल्डर बना सकते हो। वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है फोल्डर्स का, जिस तरह इन्होंने नाम दिए हुए कि क्लाइंट मैटर, सप्लायर्स, आईटी, कॉर्पोरेट, अर्जेंट, पर्सनल आइटम, इसी तरीके से आप क्या करोगे फोल्डर पे क्लिक करोगे, फोल्डर का ऑप्शन जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपके पास आ जाएगा कि जी उसको नाम दे दो यूनिक, तो आप उसको नाम दे दोगे फिर इनबॉक्स से फाइल वहां पे फोल्डर में ट्रांसफर करोगे। लेकिन बाय स्टैंडर्ड आपके पास जो है ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं हर ईमेल में, ईमेल इनबॉक्स सेंड जंक, ठीक हो गया, कोई जंक करता है, कोई जो आपके पास स्पैम कर देता है, ठीक है, डिलीटेड जो है आपके पास ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट में अक्सर आप जो है क्या कर लेते हो कि एक ईमेल लिख रहे थे और दरमियान में आपको कोई काम आ जाता है तो आप उसको जो है वहीं पे चाहते हो कि वो सेव हो जाए तो आप उसको ड्राफ्ट में भिजवा देते हो। आजकल तो बाय डिफॉल्ट होता है आपके पास ईमेल वगैरह में, याहू मेल सर्विसेज में कि या जीमेल में कि वहां पे बाय डिफॉल्ट आपके पास जब मैसेज आधा लिख लेते हो और उसको क्लोज कर देते हो तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है, वहां पे आपके पास जो है सेव हो जाता है और फिर बाद में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो फॉरवर्ड करने के लिए। फायदा क्या है ईमेल का, ठीक है, और नुकसान जो है लिमिटेशंस क्या है, हर चीज के फायदे होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, ठीक हो गया, इंटरनेट और ये जो है हर चीज के जो है लिमिटेशंस होती हैं। तो इसलिए कहता है कि पहले अगर हम बेनिफिट्स का जिक्र करें तो ईमेल का फायदा क्या है कि आप जो है ऑडिट ट्रायल कर सकते हो मैसेज का, ऑडिट ट्रायल मीन्स कि आप उसको दोबारा देख सकते हो जब आपको जरूरत पड़े, ठीक है, कि आप उसको जो है ईमेल निकाल सकते हो अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट डील वगैरह की थी, एक बंदे ने आपको जो है खुद इंक्वायरी की थी कि जी मुझे ये चीज चाहिए कि आपके पास अवेलेबल है और आप कहते हो कि हाँ अवेलेबल है और फिर आप उसको ऑर्डर, वो आपको कहते हैं कि ठीक है मेरे लिए ऑर्डर कंफर्म कर दे, मुझे इतने यूनिट्स चाहिए, अब आपने ऑर्डर कंफर्म कर दिया और आप जब उसको कहते हो कि सर आप उसके लिए आ जाए प्रोडक्ट उठाने के लिए आ जाए और वो कहे कि नहीं मैंने तो आपको नहीं कहा था, तो फिर आपके पास क्या है एज एन एविडेंस इस्तेमाल हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जी आपके पास जो है डिस्प्यूट्स वगैरह में उसके आप डिटेल वगैरह को चेक कर सकते हो कि जी यहाँ पे ये देखें आपने ऑर्डर बुक कराया था, हमारे पास बाकायदा आपकी ईमेल मौजूद है, ठीक है। दूसरी बात आपके पास क्या है कि सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कहीं पे भी दुनिया में आप ईमेल जो है कर सकते हो, क्विक सर्विसेज हो सकती हैं, कहीं पे भी आपका कुलीग हो या जो भी हो आपने उसको जो है फाइल वगैरह ट्रांसफर करनी है, अपनी सीवी ट्रांसफर करनी है या जो भी फाइल करनी है रिक्वायर्ड, ठीक है, आप उसको सेकेंड्स में फॉरवर्ड कर देते हो, ठीक है, और आपके रिसिपियंट जो है कहीं पे भी इजिली, जब हम मोबाइल फोन में, आजकल तो मोबाइल एप्स हैं आपके पास मोबाइल फोन में, उस पर जीमेल पड़ा होता है, आप जो है कहीं पे भी हो जस्ट नेट के साथ कनेक्ट हो आपको डायरेक्टली मेल मिल जाएगी, वो उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ट्रेडिशनल एक्सपेंसिव मेल शॉर्ट्स टू मल्टीपल रेसिपिएंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिग्निफिकेंटली क्विकर एंड चीपर मल्टी रेसिपिएंट ईमेल कम्युनिकेशन अचीविंग मच ग्रेटर पेनिट्रेशन। ठीक है कि आपके पास क्या है कि पहले जो है आप लेटर भेजते थे वो बड़ा टाइडी हो जाता था, बहुत ज्यादा लोगों को भेजना, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया कि आप जो है 50 या 1 लाख भी जो है रेसिपिएंट वहां पे पुट कर दो, सेकंड में आपकी मेल जो है वहां पे हर सब बंदों को पहुंच जाएगी।
इजी टू यूज हो गया आपके पास, ठीक है, आसानी से यूज हो रहे हो, जितना मैंने आपको कहा कि एडवांसमेंट आती जाती है टेक्नोलॉजी, उतनी ही आपके पास क्या हो जाती है, यूजर फ्रेंडली होना शुरू हो जाती है। तो आप जो है आसानी से उसको कोई भी बंदा जो है ईमेल कर सकता है। लो कॉस्ट, जाहिर सी बात है, जस्ट इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाओ, ईमेल आप जो है जितनी दफा भेजना चाहते हो, कोई पैसे उसकी नहीं है, ठीक है। सो वो हो गया, गुड फॉर एनवायरमेंट, ठीक है, कि पेपर भी वगैरह भी इस्तेमाल नहीं होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, आपको पेपर की जरूरत नहीं पड़ रही, जो लेटर्स वगैरह में आपको पेजेस वगैरह भेजने पड़ते थे वो चीज अब खत्म हो गई, बस इलेक्ट्रॉनिकली आपके मैसेजेस मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस होंगी टेक्नोलॉजी के, हमेशा जो है कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सो कहता है कि आपके पास क्या हुआ कि जहाँ पे ईमेल जो है कॉल और उसकी मीटिंग की जरूरत होती है, तो वहां पे अब जो है आपके ईमेल आपको फैसिलिटेट नहीं कर पाता, ठीक है। आप ईमेल के जरिए से अगर कोई चीज भिजवाते हो या कोई इन्फॉर्मेशन समझाने की कोशिश करते हो, तो वो उस तरीके से नहीं हो सकता जैसे जो है फेस टू फेस हो जाए या टेलीफोन पे हो जाए, आप किसी को मैसेज देते हो, ठीक है। और अगर आप क्या करते हो कि कोई जो है बैड न्यूज वगैरह जो है किसी के साथ शेयर करते हो, तो आप चाहे जैसे भी वर्ड यूज कर लो, वो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता ईमेल वगैरह पे जो आपके पास फेस टू फेस में होता है, ठीक है। जो आप बंदे के साथ बैठते हो, उसके साथ बात करते हो, आपके एक्सप्रेशन आपको जो है उसको वो इजिली अंडरस्टैंड कर पाता है। लेकिन अगर आप जो है इस तरीके से करते हो, तो यहाँ पे फिर वो स्पेस सा रह जाता है। और अगर आपने मैसेज को सही तरीके से टाइप नहीं किया, तो फिर तो जाहिर सी बात है मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इसलिए कहता है कि आपके पास जो है यहाँ पे नॉन वर्बल जो है आपके पास कम्युनिकेशन भी पॉसिबल नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज और इसकी जो है मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है, ठीक हो गया कि अब ये बंदा जो है, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप जो है क्या करते हो कि आप जो है व्हाट्सएप वगैरह पे जब फ्रेंड के साथ चैट करते हो, तो वहाँ पे अगर इमोजी मिस हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो मैसेज का मतलब जो है वो नेगेटिव भी कंसिडर कर सकता है। तो इसीलिए आप इमोजीज का सहारा लेते हो कि वो थोड़ा सा इसको सपोर्टेबल बनाए। तो अब ईमेल तो आपके पास प्रोफेशनल है, ठीक है, वहां पे तो आप इमोजीज वगैरह तो नहीं बना सकते, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें ये लैकनेस हो सकता है। मजीद कहता है कि आपके पास क्या है कि इसमें जो सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, ठीक हो गया, वो सिग्नेचर आपके पास जो है वो कानून के दायरे में उस हद तक नहीं आते, ठीक हो गया, कि आप जो है कह दो कि जी मैंने इस पे जो है साइन किया था और ये जो है बिल्कुल कंफर्म थी, मैंने इसको लिखा था, क्योंकि अब वो जो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वहाँ पे चेंज हो सकता है, लेकिन बाय हैंड जो आप उस पर क्या करते हो सिग्नेचर वगैरह डील में करते हो, तो वो एक अलग बात होती है। ईमेल ओवरलोड, बहुत ज्यादा ईमेल आ जाए तो आपके पास जो है वो मेल बॉक्स में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या एट अ टाइम आपके पास जो है 15-20 ईमेल आ जाए या 25-30 ईमेल आ जाए, तो उसको रीड करना बहुत हैक्टिक हो जाता है, फिर आप उसमें से ढूंढना और फिर एक एक को डिलीट करना, लेट से आपके पास 200-250 ईमेल आपकी जो है इनबॉक्स में पड़ी हुई है, तो अब उसको डिलीट करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उसमें ईमेल को फाइंड करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है आपके लिए। स्पैम के जैसे मैंने आपको कहा कि उसके ये क्या है कि वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह बार बार आते रहते हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपके काम की चीज भी चली जाए, तो वो आपके लिए जो है एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है कि आपने जो है एक ईमेल का इतना इंतजार कर रहे थे और वो इन्होंने जो है क्या कर दिया स्पैम में, खैर से भेज दी थी। कहता है कि ईमेल्स में कैरी वायरस, हो गया आपके पास जो है वायरस वगैरह के भी चांसेस होते हैं, जैसे कल भी हमने जो है वो टर्मिनोलॉजी का जिक्र किया था कि वहाँ पे जो है आपके पास ईमेल्स आते हैं, आपको कहते हैं कि जी आपकी जो है लॉटरी निकली है करोड़ों की और आप अभी जो है इस पे लॉग इन हो जाए, अपना अकाउंट बनाए और आपको जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे। तो जैसे ही आप वहाँ पे वो करते हो, क्लिक करते हो लिंक पे, डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है और वो हैक हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आपके लिए। सो कहता है कि जी when to use different channels of communication, अब आपके पास जैसे कि हमने सारे के सारे channels जो है communication के cover कर लिए, तो इसलिए अब कहता है कि अब आपने जो है ये कैसे decide करना होगा कि कौन से मौके पे मुझे कौन सा जो है channel use करना होगा, कौन सा ज्यादा suitable रहेगा, तो उसके लिए जो है उन्होंने एक overview सा आपको दिया हुआ है कि कौन सा होना चाहिए। जी email अगर आपको भेजनी है तो उसका मकसद क्या होगा, कब उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। सो कहते हैं कि retention of record information is important, information has to be conveyed quickly, facilitate recipient to respond at a convenient time, identical information has to be communicated many persons, ठीक है कि आप अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहते हो, आप जुबानी बात करोगे तो जुबानी का तो रिकॉर्ड नहीं होता, जब आप मेल भेजवाओगे तो वो आपके पास जो है क्या हो जाएगा एज ए रिकॉर्ड पड़ा होगा और आप इन्फॉर्मेशन जो है क्विकली उसको भिजवा सकते हो, टाइम फेसिलिटेशन आपको मिल सकती है। दूसरा जो है कम्युनिकेशन जो चैनल हमने कहा था फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, ठीक है, तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन में हमारे पास क्या रहते हैं अट्रैक्टिव सेशंस होते हैं, आपके पास जो मैसेजेस सब कुछ जो है फेस टू फेस आप नॉन वर्बल जेस्चर के साथ भिजवा सकते हो, ठीक है, अगर किसी को परसुएट करना हो तो आप उसी तरीके से एक्सप्रेशंस वो करते हो, बैड न्यूज देनी हो तो आप उस तरीके से अपने जो है फीलिंग्स और इन चीज़ों के साथ अटैच होकर उनको मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हो। लेटर हमने कहा था कहाँ पे इस्तेमाल होता है,
कि जी ऑथेंटिक सिग्नेचर्स ऑफ द सेंडर आर इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि ईमेल में आपके पास सिग्नेचर का ऑप्शन तो होता है लेकिन वो आपके पास जो कानून के दायरे में उस तरीके से नहीं आता, ठीक है। लेकिन आपके पास जो है जब बाय हैंड सिग्नेचर होता है या आप उस पर जो है स्टैंप वगैरह लगा देते हो तो लेटर वगैरह में बहुत ही ज्यादा उसका टच हो जाता है और फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं। मैमो मैंने आपको कहा था कि हम जो है किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू इंप्लाई डिसेमिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने जो है एम्प्लॉइज को कोई पॉलिसी या प्रोसीजर के बारे में बताना है या कोई नई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी, तो आप क्या कर देते हो कि जो है मेमोस फॉरवर्ड कर देते हो। फोन कॉल आपको कब यूज करना चाहिए, कन्वेइंग और ऑब्टेनिंग जो है क्विक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, नॉन वर्बल क्यूज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, फेस टू फेस मीटिंग आर नॉट कन्वीनियंट। कि जहाँ पे आपको फेस टू फेस मीटिंग नहीं चाहिए, आप क्या करते हो जल्दी से मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हो, ठीक है, इंक्वायरी करना चाहते हो किसी भी चीज़ के बारे में या किसी को बताना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे अब आपको इसकी जरूरत नहीं है कि आप जो है क्या करो कि उसको वर्बल जो आपने या जो है नॉन वर्बल क्यूज शो करो, बल्कि आपने इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी थी कि लेट्स से आपके कॉलेज वाले आपको कॉल कर देते हैं कि जी कल से आपकी क्लासेस हैं इस टाइम तक आना है, तो अब यहाँ पे नॉन वर्बल क्यूज की जरूरत तो नहीं थी, यहाँ पे आपके जो है ऑफिशियल किसी चीज़ लिखने की जरूरत तो नहीं थी, ठीक है। ईमेल का जो है प्रोबेबिलिटी थी कि वो आपसे मिस हो जाती तो आपकी क्लास रह जाती, तो इसीलिए उन्होंने जो है फोन कॉल की और आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आप तक कन्वे कर दी। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस आ जाते हैं कि कहता है कि ग्रुप इंटरेक्शंस एंड कंसेंसस आर इंपॉर्टेंट एंड मेंबर्स आर इन डिफरेंट लोकेशन सेव टाइम्स एंड मनी, ठीक है। कि आपके पास क्या चीज़ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस आपके पास जो है बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि वो आपको क्या करता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है किस चीज़ की, कि अगर आप जो है बहुत दूर बैठा हुआ हो कोई तो आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो, अपने आइडियाज व्यूज वगैरह आप इजिली उसके साथ शेयर कर सकते हो थ्रू ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे कि अगर एक बंदा जो है यूके में और यूके से जो है फिर फ्लाइट ले और फ्लाइट लेके जो है वापस पाकिस्तान आए एक मीटिंग के लिए तो बहुत ही कॉस्टली है, ठीक है। हो सकता है कि वो फ्लाइट्स वगैरह लेट हो जाए या कुछ इश्यूज बन जाए, तो इससे बेहतर है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आप जो है कनेक्ट हो जाओ और आप इसको यूज करो। तो ये आपके पास जो है डिफरेंट चैनल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब हमने कौन सा चैनल यूज करना है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि चैनल चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे कौन सा चैनल सूटेबल होगा आपके लिए और आप जो है उसको फॉलो करोगे। बैड न्यूज सिचुएशन है तो आप किस तरीके से उसको करोगे, अगर आपने गुड न्यूज देनी है तो किस तरीके से करना होगा, आपने ऑफिशियली कम्युनिकेट करना है तो किस तरीके से करना होगा, तो ये सारे चीजों का कॉन्सेप्ट आपके पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सो फार हम पढ़ते आए हैं पहले दिन से ही, ठीक है। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो।